वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पीबीआर स्टडी में। जिस राह पर अकेले रह जाते हैं आप, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई दूसरा साथ नहीं देता है। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जिसे RBI बोला जाता है, इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किस वर्ष में किया गया था? 1949 में, या फिर 1949 में, या 1951 में यानी कि 59 में, या 1969 में। देखिए ये हिंदी में लिखा गया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन जो है वो 1939 है, दूसरा ऑप्शन है 1949, तीसरा जो है वो है 1959, और चौथा ऑप्शन है 1969। जल्दी से आप लोग कमेंट करें इनमें से कौन सा सही होगा, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है हिंदी डिजिट ना समझ में आ रहा हो। हो गए सभी के आंसर, तो मैं आगे चलता हूँ। आगे बढ़ें जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जी बिल्कुल, अगर इसके बारे में हम आपको और अच्छे से बता दें तो सुनने की कोशिश करिएगा और समझिए। आप सभी जानते हैं RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ये सभी बैंकों का दादा है। जी हाँ बिल्कुल, भारत में जितनी भी बैंक चलती हैं सभी बैंक RBI की गाइडलाइंस में चलती हैं। इतना ही नहीं, जो आपके ये वॉलेट की बैंकें हैं, जैसे कि जो पेटीएम है, फ़ोनपे है, या फिर गूगल पे वगैरह, जो भी इंडिया में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराती हैं, ये सभी RBI के गाइडलाइंस में यानी कि RBI के नियमानुसार कार्य करती हैं। जी, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ये सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल साल 1934 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण आप लोगों ने देख लिया, 1949 में हुआ था। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था यानी कि पश्चिम बंगाल में, जो कि सन 1937 में मुंबई यानी कि महाराष्ट्र आ गया। तो अब आप लोग इसके बारे में समझ लिए होंगे। इस क्लास को पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, कह रहा कि इनमें से कौन सी ऐसी बैंक है जो भारतीय बैंक नहीं है। ऊपर आप देखिए, 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और 2 ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं। तो जल्दी से बताइए, एक्सिस बैंक भारतीय बैंक है कि नहीं, HDFC बैंक भारतीय बैंक है कि नहीं, ICICI बैंक भारत में कहीं आपने देखा है कि नहीं, और एक बैंक जो नीचे दिख रही है बड़ी अजीब सी है, ये HSBC बैंक। क्या आपने सुना है कहीं HSBC बैंक भारत में है किसी राज्य में? जी बिल्कुल नहीं पाएंगे आप, ये भारतीय बैंक नहीं है। बाकी सभी जो है भारतीय बैंक हैं। अगर मैं बात करूं इसमें एक एक बैंक के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा, जो एक्सिस बैंक है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इस वीडियो को और जो इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 1-2 क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में देख लिया होगा, तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, इसलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगर आपने नहीं देखा उस क्लास को तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए PDF फाइल के माध्यम से क्लास चल रही है, तो थोड़ा बीच बीच में धुंधला होता है इसको खोलने में और इसको आगे बढ़ाने में, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और कोशिश करें सही जवाब देने की। इस क्लास को पूरा देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं, इसका जल्दी से उत्तर बताइए। 25 के बाद हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि 5 सवाल हमने पिछली क्लास में कर दिया है। जी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, ये राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रायोजित होते हैं। अगला सवाल देखिए, 26 से हम डिस्क्राइब करेंगे। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी हमने आपको बताया, पहले कोलकाता में था लेकिन बाद में ये मुंबई आ गया है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये आप सभी लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। नंबर 23 का सही जवाब दीजिए। हो गए सभी के कमेंट्स, हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे, उनका नाम आप लोगों ने कमेंट कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी का सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, CD देशमुख। जी बिल्कुल, CD देशमुख। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यापार संतुलन किन दोनों के बीच का अंतर है। हो गए सभी के कमेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देश और निर्यात। जी बिल्कुल, देश का निर्यात और आयात के बीच अगर संतुलन होता है तो उसे व्यापार का संतुलन कहा जाता है। मतलब जितना आयात हो रहा है उतना ही निर्यात भी होना चाहिए। अगर आपने अपने यहाँ से 100 क्विंटल गेहूँ भेजा दूसरी जगह, तो वहाँ से उतना ही सामान अपने देश में आना चाहिए। अगर ज़्यादा आया तब भी गड़बड़, और कम आया तब भी संतुलन नहीं बना रहेगा, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, नंबर 25। कह रहा कि निम्नलिखित यानी कि फॉलोइंग में से
कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? निजी संपत्ति का अधिकार, प्रायोगिता होना, सेवा प्रायोजन, उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। हो गए सभी के जवाब? जी, आप सभी के जवाब हो गए तो हम लोग आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं इसी में, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए। लेकिन अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो तुरंत कमेंट कर दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा प्रायोजन। सेवा प्रायोजन राइट हो जाएगा। कैसे? देखिए, जिस अर्थव्यवस्था में लाभ की भावना से कार्य किया जाए, यानी कि किया जाता है या किया जाए, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारक बाजारू शक्तियों या मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगर कहीं से पूछा जाता है तो सबसे बड़ा पूंजीवादी वाला जो अर्थव्यवस्था वाला देश है वो है अमेरिका। एक और सवाल आपके सामने आ चुका है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको बड़ा दिखाने की, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये देखिए, थोड़ा जूम करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है ये। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ये मुद्रा होगा, ठीक है ना? तो भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था, इन चारों में से किसने किया था? संतोष कुमार, वाई बी रेड्डी, उदय कुमार या डॉक्टर रंगराजन। हो गए सभी के कमेंट्स? 26 नंबर क्वेश्चन है ये। तो नंबर 26 के सही जवाब आप लोगों के आ गए। मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं तो नंबर सी हो जाएगा, उदय कुमार ने इसका नया डिजाइनिंग किया था, जो आपने देखा होगा ये रुपया शायद यही तो है ना, ये चिन्ह है। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? ट्रेड सेक्टर से, शेयर मार्केट से, या फिर क्रेडिट मार्केट या घुड़दौड़ से? आंतरिक व्यापार जो है वो किससे संबंधित है? हो गए सभी के कमेंट्स? जी, शेयर मार्केट, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेयर मार्केट, आंतरिक व्यापार शेयर मार्केट से संबंधित है। आंतरिक व्यापार को इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जाता है। वह लोग जो किसी कंपनी या संगठन के डायरेक्टर हों या उच्च रैंकिंग के अधिकारी हों, या ऐसे लोग जिनके पास कंपनी का 10% से अधिक शेयर हो, उन्हें इनसाइडर कहा जाता है। उनके पास कंपनी के संगठन की गोपनीय सूचनाएं होती हैं। इसका लाभ उठाकर वह जो ट्रेडिंग यानी कि व्यापार करते हैं उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। तो हो गई आपकी सारी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान। तो हम आगे बढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच दिल खोल कर कमेंट करें। नंबर 28 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब भी आप लोग सोच लिए होंगे। संकल्प परियोजना किस प्रायोजन से आरंभ की गई थी? निरक्षरता उन्मूलन के लिए, पोलियो उन्मूलन के लिए, एडस यानी कि एड्स जिसे बोलते हैं समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए। जल्दी से बताइए, किस संकल्प के लिए संकल्प परियोजना शुरू की गई थी? नंबर 28 का सही जवाब आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अगर अभी भी देख रहे हैं तमाशा बैठ के तो तुरंत कमेंट कर दें, देर ना करें। जी बिल्कुल, नंबर सी यानी कि HIV को समाप्त करने के लिए संकल्प परियोजना शुरू की गई थी। संकल्प परियोजना HIV जिसे एड्स बोलते हैं, इसको समाप्त करने के लिए आरंभ की गई थी। इस परियोजना यानी कि इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसे ESIC तथा LFPPT मतलब कि लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट के द्वारा HIV से जागरूकता के लिए चलाया जा रहा यानी कि ये कार्यक्रम था, ठीक है ना? तो संकल्प परियोजना जो है वो HIV से बचाने के लिए यानी कि HIV को दूर करने के लिए ही जो है ये प्रारंभ की गई थी। आप लोग जानते होंगे HIV होने के कारण क्या क्या होते हैं, जिसमें कि कुछ प्रमुख कारण होते हैं। HIV संक्रमित व्यक्ति से रक्त लेना, HIV संक्रमित व्यक्ति को लगाई गई इंजेक्शन का प्रयोग करना, और HIV संक्रमित पुरुष या महिला से यौन संबंध बनाना। ये तीन मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण जो है HIV यानी एड्स जो है ये फैलता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर अगला सवाल पे 29, तो ये है किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? जिसमें आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी GDP सबसे ज़्यादा है? आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा GDP वाला आपका राज्य है मायानगरी। जी बिल्कुल, मायानगरी मुंबई जहाँ पर बसती है, जिसका नाम है महाराष्ट्र। बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्रियाँ और बड़े बड़े अडानी अंबानी आपके महाराष्ट्र में अपना महत्वपूर्ण कारोबार करते हैं। जी, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग GDP बोलते हैं, अथवा
देश की सीमा के अंदर यानी कि जो भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी दी हुई समय अवधि यानी कि सामान्यतः लगभग ही 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो है वो क्या होता है, जीडीपी होता है। फिर से सुन लें, जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी देश के अंदर किसी दी हुई समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। किंतु यहाँ यह बता देना उचित होगा कि सदैव आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादक सेवाओं का ही परिणाम होता है। वास्तव में जीडीपी का कुछ भाग उन विदेशियों और उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो सकता है जिन्होंने अपनी पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके देश में कुल उत्पत्ति के कुछ भाग का उत्पादन किया। महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे अधिक है, समझ गए ना। जरूरी नहीं कि किसी देश की जीडीपी जो बढ़ती है वो केवल भारत में किए गए बिजनेस या रोजगार से बढ़ती है। हमारे समझ से अगर दूसरे देश से भी आपके भारत में $100 आता है, इससे भी आपके जीडीपी पर फर्क पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। जैसे आपके पीवीआर स्टडी, या आपने देखा होगा इंडिया में बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल चलते हैं, बहुत से ऐसे वेबसाइटें हैं जिनका जो इनकम आता है, जो उनके आय का सोर्स होता है वो डॉलर में होता है। अगर भारत देश में दूसरे देश यानी कि अमेरिका से $500 भी आता है यानी कि 35,000 रुपये आता है, इसका मतलब भारत के जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। अगला चलें, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, मतलब जो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी ये कब की गई थी, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 30 का जो सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग समझ चुके होंगे। इस पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ किया गया था ना बाबू, इसमें आपके ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बट यहाँ ऑप्शन जो है 1931 तो कोई दिया नहीं गया फिलहाल। 1963 ईस्वी है ये, 1975 ईस्वी ये है, 1951 ईस्वी। देखिए हिंदी डिजिट भी समझने की कोशिश करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 यानी कि 1951 में आरंभ की गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारत के योजना आयोग द्वारा विकसित, कार्यान्वित और इसकी देश रेख में पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित थी। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, आप लोगों ने सुना होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बजट 7 व्यापक क्षेत्रों को आवंटित किया गया था, जिनमें सिंचाई और ऊर्जा, इनमें 27.2%, कृषि और सामुदायिक विकास में 17.4%, परिवहन और संचार यानी कि परिवहन मतलब जानते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में 24%, उद्योग यानी कंपनीज और फैक्ट्रीज में 8.4%, सामाजिक सेवाओं में 16.64%, भूमि पुनर्वास में 4.1% और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए 2.5% निर्धारित किया गया था। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है, ये किस चीज़ से संबंधित है, आखिर इसमें क्या मिलता है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन से संबंधित है, या फिर ये बच्चों को वृहत स्तर पर प्रशिक्षण के अभियान से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं उजाला योजना के अंतर्गत जो है वो गैस सिलेंडर यानी कि का वितरण किया गया, तो इनमें गैस के कनेक्शन दिए गए, तो आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे बोलते हैं, इसके लिए जो है वो क्या किया गया, वितरण किया गया सिलेंडर यानी कि कनेक्शन, गैस कनेक्शन दिया गया। अगला सवाल आपका जो आ रहा है, आप लोग याद रखें, जो हमारे मैथ के दीवाने जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, आपकी जो क्लास है मैथ की वो 22 मार्च से शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। अधिकतम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ
कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हो रहा है, हमारी कोशिश रहेगी ये अपडेट आपका उसके पहले ही हो जाए। तो अगर पहले हो जाएगा तो 18 या 20 मार्च से ही शुरू हो जाएगी, बस 4-5 दिन और बचा हुआ है। और हाँ, जिन लोगों ने स्पेशल क्लास ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट या इच्छा जाहिर की थी, कृपया वह इसके पहले कर लें, क्योंकि जब फिर से क्लास शुरू हो जाएगी 22 मार्च से, तो उसके बाद कोई भी ज्वाइनिंग कतई नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार डेट बदला गया है और बहुत समय आपको दिया गया है ना। तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, स्वर्ण जयंती शहरी योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, केवल शहरी क्षेत्र में मजदूरी रोजगार, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये स्वर्ण जयंती शहरी योजना है, ये किस प्रकार के रोजगार उत्पन्न करेगी? हो गए सभी के कमेंट्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी योजना दोनों। अब आप लोग समझ गए होंगे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, जिसे आप लोग शॉर्ट में SJSRY, यानी कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो भारत सरकार का क्या है? पहला नंबर तो ये का उपक्रम है जो 1 दिसंबर 1997 से लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार या मजदूरी, दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो इस योजना का आप लोग मतलब समझ गए होंगे। अगर आप इस PDF फाइल को अपने फ़ोन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी तुरंत घंटी बजाएं इस नंबर पे, यानी कि फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सअप करें, आपको ये PDF फाइल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। नंबर नोट कर लें, 97-93-48-84-48 या 97-93-488-448। तो इस क्लास में बस इतना ही। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से एक अगली क्लास के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी देखते रहें आपका अपना PBR स्टडी। और हाँ, एक बात, चलते चलते इस क्लास को लाइक करके और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा। लेकिन ये सब करने के पहले आप एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्लास मिलती रहें और आप बिल्कुल निसंकोच निर्बाध रूप से देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से अगली क्लास में आपके सामने। एक बार रुकिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह तो कतई नहीं होता ना कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए। आपने देखा होगा इंडिया भेड़िया दासान होती है, अगर एक भेड़ कुएं में कूदती है तो सारी कूद जाती हैं। तो क्या वो जो आगे वाली भेड़ सबसे पहले कूदी कुएं में, क्या उसने अच्छा किया? नहीं किया ना। तो बिल्कुल आप किसी की देखी देखा ना करें, खुद बनाए रास्ते। आपने सुना होगा, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर से अगली क्लास में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा और PBR स्टडी को दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा, और आप करेंगे भी ये पूरी उम्मीद है।